हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने दाल फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है और बहुत अच्छा लगता है। ये चने दाल की रेसिपी है। मैंने एक कटोरी चने दाल को ले लिया है और इसको अच्छी तरह चार पांच पानी से वॉश कर लिया, जब तक कि पानी का कलर नॉर्मल ना आ जाए। अब एक कुकर को हम गैस पर चढ़ाएंगे और उसमें हम दाल डाल देंगे। दाल डालने के बाद फिर इसमें पानी डालेंगे और पानी को दाल से कम 1-1.5 इंच ऊपर ही रखेंगे। तो ये देखिए, मैंने पानी डाल दिया है। अब इसमें एक तेज पत्ता डाल देंगे, थोड़ी सी नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे। फिर इसमें थोड़ा सा हींग भी हम डाल देंगे और इसको ढककर कम से कम 1 सीटी हम तेज आंच पर लगाएंगे और 4 से 5 सीटी बिल्कुल स्लो आंच पे डालेंगे। और ये बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया। जब तक ये बॉईल हो रहा है, तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी इस रेसिपी को लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे कि मैं और भी रेसिपी बना बना कर उसका वीडियो आप लोगों के तक पहुंचाती रहूं। तो ये देखिए, बंद कर दिया। जब तक ये एक साइड में कुकर हमारा चना दाल बॉयल कर रहा है, इसके लिए मैंने एक प्याज को बारीक काट लिया है और एक प्याज को लंबे टुकड़ों में काट लिया है और अदरक लहसुन को भी कूट कर रख लिया है और एक टमाटर को बारीक काट लिया है। अब एक कढ़ाई में हम सरसों तेल डालेंगे। उसको मैंने पहले कढ़ाई को बहुत अच्छे से गरम कर होने दें, उसके बाद उसमें सरसों तेल डालें। अब इसमें जीरा डालें और एक सूखी मिर्ची डालें। इसको डालने के बाद पहले बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। बारीक कटे हुए प्याज को जब अच्छी तरह से भून जाए, बिल्कुल ब्राउन कलर का हो जाए भूनते भूनते, उसके बाद तब हम इसमें लंबे कटे हुए प्याज डालेंगे। लंबा कटा हुआ प्याज जब हम दाल खाते हैं तो बीच बीच में लंबे टुकड़े प्याज के, लंबे टुकड़े को बाद में मैंने मिलाया है, जिससे कि वो थोड़े खड़े खड़े ही रहें, ज़्यादा जला जला भुना हुआ ना हो। तो ये देखिए, अब मैंने लंबे टुकड़े वाले प्याज को डाल दिया है। मैंने बहुत ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं किया है। मैं अपनी हर सब्ज़ी में कम ही तेल यूज़ करती हूँ। आपको अगर ज़्यादा तेल पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा तेल डाल सकते हैं। अभी मैंने इसमें अदरक और लहसुन कूटा हुआ उसको डाल दिया। अब इसको भी थोड़ा, इसका कच्चापन निकलने तक फ्राई करूँगी। ये देखिए, फ्राई हो रहा है और बिल्कुल तेज आंच पर ही इसको फ्राई करेंगे दोस्तों। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। टमाटर डाल के फिर इसको तेज आंच पर ही थोड़ी देर के लिए भूनेंगे और इसमें फिर से इसमें थोड़ा सा स्वादानुसार नमक डाल देंगे। और याद रहे कि पहले भी हमने दाल बॉयल होने के टाइम पे नमक डाला हुआ है, तो उसी हिसाब से इसमें नमक डालेंगे। अब इसको भी थोड़ी देर भून लेंगे और इसको ढक कर 3 से करीब 3-4 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जिससे कि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। टमाटर गलने तक, अब ये देखिए, पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब इस स्टेज पे हम आंच को कम कर देंगे, थोड़ा सिम पे कर देंगे और इस ढककर थोड़ी देर पकने देंगे। तो ये देखिए, 3-4 मिनट हो गया है। अब ये देखिए, पानी बिल्कुल छोड़ दिया है, बहुत सारा पानी छोड़ दिया है। अब आंच तेज कर देंगे और इधर हमारा कुकर भी खुल चुका है, दाल बॉयल हो चुका है हमारा। तो ये देखिए, दाल बॉयल हो चुका, कितना अच्छा कलर आया है आप देख सकते हैं। दाल ना ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गलाना है और ना ही खड़ा रखना है कि गले नहीं। तो ये देखिए, दाल बिल्कुल घुला भी नहीं है और अच्छी तरह से गल भी गया है। इतना ही हमें पकाना है, इससे ज़्यादा पकाएंगे तो फिर दाल फ्राई का मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो अब मैंने उसी मसाले में बस थोड़ा सा
हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के मैंने फ्राई कर लिया। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं है, कम मसाले में बन जाता है ये। अब ये देखिए अच्छी तरह से भून गया है, तेल बिल्कुल अलग दिख रहा है मसाले से। अब हम एक दूसरी तरफ थोड़ा सा कसूरी मेथी को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि अच्छी तरह से क्रश हो जाए। कसूरी मेथी का फ्लेवर किसी भी सब्ज़ी में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा टेस्ट लाता है। तो ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी को रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद, इसको ठंडा होने के बाद तुरंत से ये क्रश भी हो जाता है और सब्ज़ी में मिक्स भी हो जाता है अच्छी तरह से। तो ये देखिए, अब मैं इसमें अपना उबला हुआ दाल डालेंगे हम लोग, बॉईल किया हुआ दाल। तो ये देखिए कितना अच्छा, अभी से ही देख के इतना अच्छा कलर लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि इसमें बिना तड़का के भी खाया जा सकता है। अगर किसी को बिल्कुल मसाला पसंद नहीं है तो वो ऐसा दाल भी सिर्फ और बॉईल करके और जीरा का तड़का लगा के खा सकते हैं। तो ये देखिए, अब मैंने इसमें डाल दिया दाल। अब कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के बाकी बचे हुए दाल को भी कढ़ाई में डाल देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारा दाल बनकर रेडी हो गया, कितना अच्छा कलर आया है, बहुत अच्छा। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं, खाते हैं अगर ज़्यादा तीखा, तो फिर इसमें कश्मीरी मिर्च या मिर्च पाउडर ज़्यादा मिला सकते हैं, और हरी मिर्च को लंबे लंबे टुकड़ों में काट कर भी डाल सकते हैं। हमारे यहाँ सब तीखा बहुत कम खाते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा तीखा नहीं डाला। अब कसूरी मेथी को क्रश करके डाल दिया। अब ये थोड़ी देर 3-4 मिनट के लिए तेज़ आंच पे बॉईल होगा, फिर कम आंच करके और 2-3 मिनट तक इसको बॉईल होने देंगे, जिससे कि सारे मसाले दाल में आपस में सब घुल मिल जाएं। तो ये देखिए कितने अच्छे से बन गया हमारा दाल। इसको ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला, थोड़ा मीडियम मीडियम इसको रखना है। अब इसको चाहे चावल के साथ या रोटी के साथ सर्व करें, मैं यहाँ इसको रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने एक अंडे का पोच बनाया है और दही, मैं दही में चीनी नहीं खाती, इसलिए मैंने दही में नमक और मिर्च पाउडर मिलाया है, थोड़ा सा